दोस्तों फाइनली भूल भुलैया का पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है और इस फिल्म को देखने के बाद मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हो गया हूँ। मुझे फिल्म बहुत पसंद आई। धाकड़ को पहले हम लोगों ने देखा था और धाकड़ को देखने के बाद दिमाग में एक्शन के सीक्वेंस काफ़ी चल रहे थे। जिस तरीके से कंगना रनौत अपने बेहतरीन एक्शन के माध्यम से उस फिल्म में अपना दिल जीता था, तो मैं सोच रहा था कि भैया ये फिल्म कैसी होगी। और भाई इस फिल्म को देखने के बाद मैं दिल से एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अनमोल का फैसला बिल्कुल सही था कि हमें पहले ये मूवी देखनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर मैं अनमोल से अब ये कहना चाहूँगा कि भैया मेरा ये फैसला सही था कि भाई इस फिल्म को हम लोगों ने धाकड़ के बाद देखा। यानी कि इस फिल्म को देखने के बाद जो खुशी है ना वो दुगनी हो गई कि एक अच्छी फिल्म हम लोगों ने देखी, उसके बाद एक और बेहतरीन फिल्म हमें देखने को मिली अनमोल की वजह से। तो अनमोल क्या कहोगे इस फिल्म के बारे में? फिल्म काफ़ी अच्छा है, फिल्म वन टाइम वॉच है, आप देख सकते हो। लेकिन जो कार्तिक आर्यस के फैंस है वो दोबारा भी देख सकते हैं। फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया गया है। कॉमेडी, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि कॉमेडी को बहुत अच्छे से उसके साथ मिक्स किया गया। हाँ, लेकिन सेकंड हाफ में मुझे लगा कि कुछ कॉमेडी सीन्स अननेसेसरी मुझे लगे थे। अगर उन कॉमेडी सीन्स में कार्तिक आर्यन की जगह अगर संजय मिश्रा और राजपाल यादव जी कॉमेडी करते तो ज़्यादा अच्छा लगता। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हाँ, फिल्म ऑल ओवर बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो फिल्म को। फिल्म की कहानी बिल्कुल अलग है पहली वाली से, और ट्रेलर देख के इस फिल्म को जज मत करिएगा। फिल्म बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो एक बार में। तुम इसको देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, तो एक्साइटमेंट मिला ना इस फिल्म में तुम्हें? हाँ मुझे, लेकिन मैं अगर सच बताऊँ तो मुझे फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मिला, सेकंड हाफ में थोड़ा सा एक्साइटमेंट का क्योंकि स्क्रीन प्ले मुझे थोड़ा सा लो लगा। स्पॉइलर नहीं देते हैं? नहीं नहीं स्पॉइलर नहीं देते हैं, लेकिन हाँ कॉमेडी सीन्स जो सेकंड हाफ में कुछ थे जो अगर नहीं होते उन जगह पे, अगर हॉरर सीन्स होते तो स्क्रीन पे थोड़ा और टाइल्ट होता और बहुत ज़्यादा मज़ा आता। मज़ा तो आया लेकिन और ज़्यादा मज़ा आता, एक्सपेक्टेशन मतलब यहाँ था तो यहाँ हो जाता। शिवम तुम क्या कहोगे इस फिल्म के बारे में? देखिए अगर पार्ट 1 से कंपेयर करें तो पार्ट 1 में असली भूत नहीं था, बट इस मूवी में आपको असली भूत देखने को मिलेगा। स्पॉइलर नहीं, कोई स्पॉइलर नहीं है, बट हाँ भूत असली है इसमें। सो अगर आप हॉरर मूवी के शौकीन हैं तो आपको इसमें मज़ा आएगा, एंड अगर आप कॉमेडी मूवी के शौकीन हैं तो भी इसमें आपको मज़ा आएगा। हॉरर कॉमेडी दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंड मैं कहूँगा कि अक्षय कुमार की कमी महसूस नहीं हुई। कई लोग कह रहे थे कि अक्षय कुमार की कमी लग रही है, अगर आप फिल्म देखोगे तो उनकी कमी महसूस नहीं होगी। फिल्म में गाने 2-3 जो है सारे गाने अच्छे हैं, एंड मज़ा आया इस मूवी को देखने में। और एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि वाकई में फर्स्ट हाफ में जो ग्रिप बनाया था फिल्म ने, सेकंड हाफ में थोड़ा सा कहीं कहीं ऐसा लग रहा था ना कि कहानी ड्रैग कर रही है, लेकिन क्लाइमेक्स भाई सुपर्ब क्लाइमेक्स था, और इस क्लाइमेक्स ने वो सारी कमियां ख़त्म कर दी और भाई टोटली हॉरर फिट है। अगर मैं इस कहानी को लिखता तो मैं इसमें सही में जो अनमोल ये बात कह रहा था तो मैं वो एलिमेंट इसमें नहीं डालता जो कि इसमें डाले गए सेकेंड हाफ में। मुझे ऐसा लग रहा था कि उन एलिमेंट्स को डालने के बाद में फिल्म को थोड़ा सा लंबा करने की कोशिश की जा रही थी कि भैया 2.5 घंटे की फिल्म ये बन जाए, 2 घंटे से ऊपर इसका ड्यूरेशन चल जाए। अगर वो सीक्वेंस नहीं होते तो नो डाउट ये फिल्म और भी बेहतरीन होती, लेकिन भाई फिल्म ज़बरदस्त है। काफ़ी दिनों के बाद अच्छी फिल्म आई है तो कोई बुरी बात नहीं कहेंगे, हम एक ही बात कहेंगे कि भैया अगर इस फिल्म को आप देखने जाओगे तो भैया ये फिल्म आपके लिए टोटली पैसा वसूल होगी, हंसाएगी डराएगी और उसके साथ में एक हॉरर फील भी देकर जाएगी जिसको देखने के बाद आपको रात में सपना आएगा। किसको मालूम है? मंजुलिका का। मंजुलिका सामने आ सकती है आप लोगों के, तो भैया सिनेमा हॉल में आइएगा तो लाल वाल धागा बांधकर, थोड़ा सा मंत्र वंत्र का जाप कर उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें साथ में लेकर आइए, क्योंकि हॉरर फिल्म बहुत ज़बरदस्त है। और क्या काम किया है इस फिल्म ने, तब्बू ने, कार्तिक आर्यन ने, संजय मिश्रा ने, राजपाल यादव ने, यानी भैया इन लोगों ने फिल्म का समा बांध दिया। और राजपाल यादव तो भैया सुपर्ब है, सुपर्ब है। काफ़ी दिनों के बाद उनको अच्छा फिर से एक बार मौका मिला और उन्होंने बताया कि भैया उनको मौका दोगे तो वो फाड़ कर रख देंगे। और संजय मिश्रा तो भूला वाला करते हैं किरदार में जब रहते हैं ना, और उनको सुनाई देता है ना। स्पॉइलर में ज़्यादा देने लग जाऊँगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इस फिल्म को देखने के लिए आप बेधड़क आओ। तो आप लोग इस फिल्म को कितना स्टार दोगे? मैं 3.5 स्टार दूंगा इस फिल्म को। मेरे तरफ से 4 stars out of 5। और मेरी तरफ से भैया 4 स्टार मेरी तरफ से भी। भैया ज़बरदस्त मूवी है। तो मिलते हैं फाइनल रिव्यू के माध्यम से, थोड़ी देर में आऊँगा आप लोगों के सामने और पूरा ब्रेकडाउन दूंगा इस फिल्म का कि भैया ये फिल्म कैसी है, इस फिल्म को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो 2 फिल्में बैक टू बैक आज देखने का मौका मिला फिर से एक बार अपने दोस्तों के साथ में। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद।